मंदसौर में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल बना लूट का अड्डा, यह आरोप धाकड़ ने लगाया। दरअसल आपको बता दें कि बद्रीलाल धाकड़ निवासी धमनार की बहन सोहनबाई, पति बद्रीलाल धाकड़ निवासी माऊ खेड़ी द्वारा बताया गया कि सोहनबाई की अचानक तबीयत बिगड़ने से उपचार के लिए सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में लाया गया। जांच में कोरोना पॉजिटिव बताया गया। उपचार में हॉस्पिटल के संचालक ने पीड़ित परिजनों से तत्काल कई शर्तें मंजूर करवाई गई। पीड़ित परिजनों ने सोहनबाई को ठीक करवाने के बाद सभी शर्तें मानी, क्योंकि सोहनबाई जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उपचार के दौरान सोहनबाई की मौत हो गई। मृतक का भाई बद्रीलाल धाकड़ ने आरोप लगाते हुए बताया कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक द्वारा अवैध तरीके से बिल बनाकर पैसा वसूला गया, जबकि मृतक सोहनबाई का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल को कोविड पेशेंट को उपचार के लिए ऑथोराइज किया गया था। हॉस्पिटल में सरकार और जनता को मूर्ख बनाने के लिए आयुष्मान योजना का लाभ दिलवाने का बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को लालच दिया जा रहा है। मेरी सिस्टर सोहनबाई धाकड़ जो मौकेड़ी की निवासी है, उनका इलाज हमने सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में 25 तारीख को भर्ती करके 12 दिन तक करवाया। वहाँ पर उन्होंने जब हॉस्पिटल में हमें भर्ती कराया था, वही हमसे उन्होंने कमेंट किया कि हम आपसे 4,000 रुपये बेड के लेंगे, ऑक्सीजन के 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लेंगे, यदि आईसीयू में जाएंगे 7,000 रुपये लेंगे। और हमने आयुष्मान योजना के बारे में उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना शासन के हमारे पास नहीं है और हम इन योजनाओं पर काम नहीं करते हैं। जब हमारी सिस्टर का 12 दिन इलाज चलने के बाद उनकी 7 तारीख को डेट हो गई, तो हमने उनने जो भी पैसा मांगा हमने उनको पैसा दे दिया। करीब 2,81,000 रुपये का हमने उनको पेमेंट किया। बाहरी बिल लगे, करीब 3,500,000 रुपये का खर्च हुआ हमारा पूरा, लेकिन सिद्धि विनायक हमने ये पेमेंट किया, तब हमें डेट बाजी दी गई। जब हम हमारी शोक निवारण के कार्यक्रम खत्म करने के बाद मैं अभी 2 दिन पहले उनके पास बिल लेने गया, तो उन्होंने बिल देने से इनकार कर दिया। और उनसे हमने ये भी अनुरोध किया कि साहब ये योजना चल रही है और हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली और आपका अस्पताल इसमें पात्रता की सूची में है, तो आप इसका लाभ हमें दीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कोई योजना नहीं है और फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं है और कोई बिल बिल नहीं मिलेगा और योजना योजना के बारे में कोई माता पड़ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पुलिस बुला लूंगा अभी डायल 100 लगा करके। तब भी हम डटे रहे वहाँ पर, लगा 1 बजे से हम शाम को 5 बजे तक उनसे बहस चली हमारी और कुछ वीडियो फुटेज भी हमने बनाए, वहाँ ऑडियो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। जब हमको उनने बिल दिया तो हमें पता चला कि हमसे जो कमेंट किया था कि 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन देंगे, लेकिन उन्होंने 12 ही दिन का उनने 350 रुपये घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का रेट उसमें जोड़ा हुआ है। मेरी सिस्टर मात्र 20-25 घंटे आईसीयू में रही, उन्होंने उस बिल के अंदर 4 दिन तक दिखा रखी है और 4 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर उन्होंने डॉक्टर की 4-4 विजिट दिखा रखी और 1-1 विजिट का उन्होंने 1,000 रुपये उसमें इंक्लूड कर रखा। इस प्रकार हमारे पास साथ भारी लूटपट्टी की गई है। इसी के साथ मेडिकल बिल में भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। बताता हूँ कि शासन ने यदि आम नागरिकों के लिए महामारी के लिए यदि आयुष्मान जैसी योजना संचालित कर रखी है और वो मध्य प्रदेश में लागू है और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल उसकी सूची में है और मेरी सिस्टर का इलाज इसी योजना के तहत हमने वहाँ पर कराया है, तो अस्पताल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ जो धोखाधड़ी हो रही है और मेरी तरह कई किसान आम नागरिकों के साथ में इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि हो सकता है हमसे तो भुगतान ले लिया गया हो लेकिन हमारे सारे पेपर उनके पास होते हैं, उनको लगा करके वापस वो आयुष्मान योजना का पैसा सरकार से भी ले लेते हो और वो दोहरी कमाई कर रहे हो और हमें इन लाभों से वंचित किया जा रहा है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।